पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज उसी श्रृंखला में यह पेड़ मैंने यहां मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी प्रदेश की आबादी है हर व्यक्ति के नाम पर वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए। इसके लिए हमारे पास 54 करोड़ पौध हम लोगों ने प्रदेश की नर्सरियों में तैयार किया है और प्रदेश की नर्सरियों में ये हर प्रकार के पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी, पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, देसी आम, जामुन, ऐसे ही अमरूद हैं, शीशम है, सागौन है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के घर में हम लोग सहजन का एक पौधा निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सहजन गरीब के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है, खास तौर पर यह इतना उपयोगी है कि अगर उसकी फली को सब्जी बना करके या सूप के साथ उपयोग कोई करे तो कुपोषण दूर करने में इसकी बड़ी बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी के घर में एक एक सहजन का पेड़ लगाया था और काफी बड़े हो चुके हैं, बहुत सारे पेड़ बहुत अच्छे हो चुके हैं। इस बार फिर उस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास लगभग 55 लाख के आसपास सहजन के पौधे भी हैं, ऐसे ही अन्य पौधे भी अलग अलग वैरायटी के हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे। हर ग्राम पंचायत से लेकर के नगर निकाय तक, पार्क तक, सड़क के किनारे से लेकर के खाली जगहों पर व्यापक पैमाने पर अभियान चलेगा। प्रदेशवासी वन महोत्सव के साथ साथ वृक्षारोपण महाअभियान के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनकर के पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएगा। इस विश्वास के साथ आज एक पेड़ मां के नाम यह कार्यक्रम मैंने यहां लखनऊ में किया है और मैं चाहूंगा कि हर प्रदेशवासी कम से कम ऐसे 25 से 30 करोड़ वृक्षारोपण महाअभियान के कार्यक्रम का हिस्सा बने। वृक्षारोपण महाअभियान में हम 30 से 35 करोड़ पौधरोपण का कार्यक्रम करेंगे और ये कार्यक्रम अभी से प्रारंभ होकर के 20 मार्च को इसका चरम होगा, जब रिकॉर्ड मात्रा में हम इसका वृक्षारोपण के महाअभियान के इस महाव्रत में, महापर्व में हिस्सा लेंगे ही साथ साथ इनकी देखभाल हो सके समय समय पर। इसके लिए भी जो कार्यक्रम चलेंगे, जो व्यक्ति पेड़ लगाएगा वह उसकी सुरक्षा और उसको आगे बढ़ने की भी पूरे इस अभियान का हिस्सा बनेगा। यह एक बड़े अभियान को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।